नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब राजस्थान से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी मनमोहन सिंह का नाम लगभग तय कर चुकी है। इसकी आधिकारिक घोषणा एक दो दिन में हो जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे और राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। सैनी 2018 में राज्यसभा में भेजे गए थे और वो करीब 15 माह तक सांसद रहे। हाल ही में सैनी का निधन हो गया है और अब इस पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के 100 से ज़्यादा विधायक हैं और यह तय है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। राजस्थान से अभी राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अभी 25 सीट पर हार गई है। अब इस राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होने से कांग्रेस का सदन में प्रतिनिधित्व तो हो जाएगा। कांग्रेस के अभी 100 विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस को निर्दलीय रालोद बसपा विधायकों का भी समर्थन है। ऐसे में करीब 120 के करीब विधायकों का समर्थन कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं भाजपा की बात करें तो पार्टी को विधानसभा चुनाव में 73 सीट मिली है। इसमें से एक विधायक नरेंद्र खीरचड़ अब सांसद बन चुके हैं। इस सीट पर मनमोहन सिंह यदि चुने जाते हैं तो उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2024 तक होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने गुरुवार को ही राजस्थान में रिक्त हुई सीट के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। इस सीट पर चुनाव 26 अगस्त को होगा और उसी दिन नतीजे का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन के लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 14 अगस्त होगी और 19 तारीख तक कैंडिडेट्स अपने नाम वापस ले सकेंगे। असम से लगातार 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे मनमोहन सिंह का हाल ही में कार्यकाल समाप्त हुआ है। कांग्रेस असम से मनमोहन सिंह को सदन में भेजने की तैयारी में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने राजस्थान से ही दिग्गज नेता को राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।